बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। गोपालगंज में गंडक की तबाही जारी है। सारण तटबंध के बाद बैकुंठपुर में 7 जगहों पर जमींदारी बांध टूटने से नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। पानी के दबाव के कारण मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। सुगौली मझौलिया स्टेशन के बीच पुल संख्या 248 पर पानी के दबाव के बाद रेलवे ने गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया शामिल हैं। बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, लाल बकैया, अधवारा, खिरोई, महानंदा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंडक नदी का जलस्तर 1986 के बाद अधिकतम स्तर पर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी नदी खगड़िया जिले के बलतारा में खतरे के निशान से 202 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अगर गंगा नदी की बात करें तो इसका जलस्तर बक्सर में शनिवार को 4 सेंटीमीटर बढ़कर 54.49 मीटर हो गया। पटना के दीघा घाट, गांधी घाट के अलावा हाथीदह, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने एक बड़े इलाके के लोगों को चिंता में डाल दिया है। बिहार में समस्तीपुर जिले के कई गांव उफनती बागमती नदी की चपेट में हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। इलाके में ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क नाव चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं गंडक नदी पर बने पुल के नीचे पानी के दबाव की वजह से काफी तेजी से कटाव हो रहा है। प्रशासन ने एहतियातन पुल पर परिचालन बंद कर दिया है। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन युद्धस्तर पर कटाव रोकने में जुटा हुआ है। गंडक नदी पर कई तटबंध के टूटने की वजह से डुमरिया पुल पर भी कटाव होने लगा है। डुमरिया पुल के नीचे बना गाइड बांध भी ध्वस्त हो चुका है। इसके बाद से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। बताते चले कि उत्तर बिहार में जल सैलाव का कहर बढ़ता जा रहा है। विभिन्न जिलों में बांध, पुलिया, सड़क के बहने का सिलसिला जारी है। करीब 8 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और समस्तीपुर में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लगातार स्थिति पर नजर भी रखी जा रही है, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने एक बड़े इलाके के लोगों के सामने परेशानी भी खड़ी कर दी है।